अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवि रमेश तैलंग की एक कविता एक चपाती पढ़ेंगे। सबसे पहले रमेश तैलंग, कवि रमेश तैलंग के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। रमेश तैलंग का जन्म 2 जून 1946 में टीकमगढ़, जो राजस्थान में है, वहाँ हुआ। हिंदी के नए बाल गीत का और बच्चों की हास्य कविता लिखने के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। हिंदी के नए बाल गीत, उड़न खटोला, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में लेखन कर रहे हैं। इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया गया है। कविता एक चपाती। ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती। ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं। भूख लगी मैं तुझको खाऊं। भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती। सुनकर उछली दूर चपाती। बोली फिर आंखें मटकाती। सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा। मौसी पहले मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती के ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन। देख चपाती के ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं। बिल्ली कैसी बोली? गुर्रा कर। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं। अब तो मैं तुझको खा जाऊं। अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती बोली फिर आंखें मटकाती। सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली बोली फिर आंखें मटकाती। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला फिर चाहे मुझको खा जा। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने। बिल्ली चल दी गुड़ लाने। लगी लौट कर झुंझलाने। बिल्ली चल दी गुड़ लाने लगी लौट कर झुंझलाने। म्याऊं 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 अब मैं खाऊं। अब मैं खाऊं। मन ही मन में गड़ी चपाती। मन ही मन में गड़ी चपाती। सोचा अब तो मरी चपाती। मन ही मन में गड़ी चपाती। सोचा अब तो मरी चपाती। चिढ़कर बोली खा नकटी। बिल्ली गुस्से में झपटी। चिढ़कर बोली खा नकटी। बिल्ली गुस्से में झपटी। कमरे में आते ही माँ के बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्काई। आँख खोल चपाती मुस्काई। माँ ने उसकी जान बचाई। इस प्रकार से यह कविता हमने पढ़ी है। इसे एक किस तरह से पढ़ा जाएगा गीत की तरह हम देखेंगे।
ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती, बिल्ली मौसी बोली म्याऊं भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती बोली फिर आंखें मटकाती, मौसी पहले मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती के ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन, गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं अब तो मैं तुझको खा जाऊं। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली आंखें मटकाती, सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली आंखें मटकाती। हाँ हाँ पहले गुड़ तोला फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने लगी लौट कर झुंझलाने, बिल्ली चल दी गुड़ लाने लगी लौट कर झुंझलाने। म्याऊं 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 अब मैं खाऊं। मन ही मन में गड़ी चपाती सोचा अब तो मरी चपाती। मन ही मन में गड़ी चपाती चिढ़कर बोली खा नकटी। बिल्ली गुस्से में झपटी कमरे में आते ही माँ के, बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्काई माँ ने उसकी जान बचाई।